भली भली लड़की खोल तेरे दिल की प्यार वाली खिड़की। तो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल हम पहाड़ी परिंदे। और आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई, कभी लेट कभी जल्दी तो चलता रहता है और दिन के अकॉर्डिंग। वो इसलिए क्योंकि आज अपने कपड़े तो धोने थे और मुझे लड्डू राधा मुरली के भी आज बहुत सारे कपड़े धोने थे। तो जी ऐसा करते हैं, सबसे पहले पी लेते हैं चाय और फिर लगते हैं काम में तनादन एकदम फटाफट से। मैंने अपने ठाकुर जी के आज सारे गर्म कपड़े जितने भी धोने थे और जो मैंने कल बनाए थे शॉल वो भी धो दिया। ले रही हो? इतना जलन खोर है ना नहीं, जिसकी कोई हद ही नहीं है, मतलब उसको खिला रही हूँ तो खुद भी आ गया भाग के। ले तू आजा। इनको ना ट्रस्ट चाहिए, इनको जब ये बिलीव हो जाता है ना बर्ड्स को कि अभी हमको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो उसके बाद ये ऐसे हमसे डरते नहीं है। तो जैसे रियो है तो ये हमारे पास रहते हैं ना, तो ये खुले रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बट ये आए तो सही, ये डरते हैं। देख इसको भी मैं निकाल दूंगी थोड़े दिन में पिंजरे से बाहर, बस ये डरे ना, क्योंकि अगर ये डरेंगे ना इधर उधर भागेंगे निकाल के अपने आप को चोट पहुंचा देंगे, वो भी ठीक नहीं है। ओले बाबा, ओले बाबा, अरे काटेगा मेरी उंगली, ले ले। और मैंने ना जानबूझ के वो जो खील है ना वो अपने हाथ में इस तरफ को रखे ताकि वो इधर को आना पड़े उसको। अगर मैंने 3-4 दिन इसको ऐसे खाना खिलाया ना 100% मेरे पास आने लगेगा। देख अब दोनों पंजे रख दिए, देख अब इधर को आएगा, अब उसको पता चल गया मैं उसे कुछ नहीं करूंगी। इधर को करूं थोड़ा हाथ को, अभी तो डरेगा क्योंकि आज फर्स्ट टाइम तो मैं इसे ऐसे खिला रही हूँ ना। दिख रहा है ठीक है ऐसे, धीरे धीरे थोड़ा सा इधर को करते हैं हाथ ताकि इसको पता न चले, क्योंकि मेरा हाथ थक गया बहुत। मेरा हाथ थक गया फिलहाल तो बस। अभी निकालेंगे नहीं इसको हम, क्योंकि अभी ये डर रहा है ना। रिक्शा की घड़ी है उठा इसे, जय बजरंग बली। मुझे तो इसमें मजा आता है, यही ले रहे हैं जिंदगी के मजे, कुछ काम नहीं होता इनके पास। एक्सरसाइज कर लो अभी करवा देंगे। ये देख प्यार करने के लिए, और बाबा देखना नहीं काटेगा, देख नहीं पूछ ही ला रहा था, इसका मतलब कुछ नहीं करेगा। हेलो, कुछ है ही नहीं हमारे पास, हमको क्या पता था तुम मिलोगे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुझे भाई, मेरी हालत ही खराब हो गई। बोल बोल जो तू पहले बोलने वाली थी। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, मैं आ चुकी हूँ घर। ले आज और चेरी बैठी है पीछे, यार कपड़े नहीं सूखे थे तो चेयर पे ना कुछ सुखा रखे हैं, तो प्लीज डोंट माइंड ना, है ना चेरू। आ जा गुंडे, ये देखो ये देखो, ओ देखो भगा दिया इसने, ओ बाबा रे, ये गलत बात है रही, बहुत गलत बात है तेरी। आजा, इतना बदमाश है ना तू, नहीं लूंगा नहीं लूंगी अब। भाग यहां से, उसको नहीं खाने दे रहा, बदतमीज ना हो तो। तो दोस्तों आज भी मैंने कुछ बनाया तो मैं बताती हूँ कि मैंने ये बना, फिर आ गई ये बीच में आती है, ये कहाँ से कान नाक मुंह लगा के सुन रही होती है पता नहीं। तो देखिए क्या कर रही है, नीचू तो कह रही थी नहीं लगाएगी तो मेरे बालों में, तेरे बचाओ बचाओ, आपको मारने का भी तो मौका मिल रहा है साथ में। रुक जा रुक जा, थोड़ा थोड़ा तेल लगाना, गर्म है हा? मतलब थोड़ा सा गर्म है, ऐसे नहीं करते, नहीं तो फिंगर में लग गई, लग गया नन्नी अच्छे से, मेरी चंपी कर, मैं भी तेरी चंपी करूंगी ना नन्नी। नहीं
मैंने चूहे थोड़ी पड़े हैं मेरे सिर में जो तू देख रही है। अरे लाल मेहंदी लगी हुई है ना अपने मेहंदी लगी। कोई नहीं, कल बाल धोने ना तो चंपी तो कर ले। कल बाल क्यों धोने? थोड़े दिन पहले तो धोए थे। उस दिन बिना शैंपू के धोए थे ना, मेहंदी लगी हुई थी तो तभी नहीं निकली थी मेहंदी। तो दोस्तों आज का व्लॉग जो हमने इससे पहले आपने अभी तक देखा होगा वो आपको कैसा लगा? वैसे आप ये मत सोचना कि मेरी आज छुट्टी थी या नीलाक्षी की, हमारा ऑफिस ही था। हम ऑफिस के काम से बैंक गए थे तो हमने सोचा कि रिक्शे के पैसे बचाते हैं, पास में था, पैदल पैदल आ रहे थे। तो जब वो बीच में एक पार्क पड़ता है वहाँ पे हमने एक पेड़ देखा जो यहाँ से शुरू होके यहाँ टच हो रहा था, मतलब उसने ऐसा सर्कल बनाया हुआ था। तो हम उस पर चढ़ गए और हमने 5 मिनट मस्ती कर लिया। यार क्या हो गया ना, 5 मिनट कुछ कर लिया तो क्या बोले ना, 5 मिनट। हाँ बस नन्नी जो थोड़ी फोटो खींची और एक छोटी सी, और मेरे को नहीं लेके गए, हम बैंक गए थे पैसे डिपॉजिट करने। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन चाहते हैं कि हम फिर कहीं निकल जाए घूमने, मतलब कुछ भी पार्क शार्क, जैसे ईओडी था ना। मैं वृंदावन जाना चाहती हूँ, छोड़ के भाग जाऊंगी मैं आपको, देखो ले ही जाऊंगी नहीं मैं जाऊंगी। तो दोस्तों और उसके बाद ना एक और चीज आपसे बोलनी थी, आपका बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि हमने ये चैनल जुलाई में बनाया था तो हमने कुछ भी नहीं किया था, हमने इस मंथ स्टार्टिंग में से ही शॉर्ट्स बनाए, डेली व्लॉग्स बनाए और आज हमारे 10,000 व्यूज कम्प्लीट हो गए हैं और हम बहुत खुश हैं आज। और इस तरह से जो मेन जो 3 पड़ाव होते हैं उसमें से एक हमने पार कर लिया। तो अब हम लोग फिर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या चीज़ें नहीं ऐड कर सकते हैं, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मतलब डेली कुछ ना कुछ हम लोग ट्राई करते हैं कि कुछ अलग हो, कुछ नया हो, कुछ जो और बच्चे खास तौर पे जो देखें हमारे ब्लॉग्स वो कुछ सीखें। तो ये था आज का ज्ञान। अभी हमारा क्विज वाला जो अच्छे काम करता है, अभी कर लो, अभी मैं ये कर रही ना, टाइम बचेगा। अच्छा इसको बंद कर फिर, बंदर को को कुछ रही नहीं गया हमारे पास देखने के लिए। एसएस ब्लॉग देख लिया, सौरभ जोशी ब्लॉग देख लिया, फ्लाइंग बीस्ट देख लिया, और आज तो और भी क्या क्या देख लिया, और क्या देखा मैंने तो मैंने आज वो भुवन बम की 2 शॉर्ट फिल्म भी देख ली। सोच मेरे बिना कब देखी, अभी वही देख रही थी। मैं अपना ब्लॉग कम्प्लीट नहीं किया, किचन के बर्तन ऐसे पड़े हैं, भुवन बम की शॉर्ट फिल्म देख रही थी नन्नी में। मैं अच्छा कोई गेस कर सकते हैं कि मैंने क्या देखा होगा, मैं क्या देख रही होंगी? भूत की स्टोरी। आपसे बोला था मैंने बताने के लिए, मैंने उनको बोला था। नहीं बट इनका आंसर गलत नहीं है, सही है। मुझे पता नहीं तो किस तरीके से अपना टाइम वेस्ट करती है। नहीं मेरे को मजा आता है, आई लव हॉरर स्टोरीज। नहीं कभी भी जब तुम लास्ट कोई भी चीज देखो ना नन्नी, सोने से पहले कभी हॉरर स्टोरी में तो सोने से पहले थोड़ी देख रही हूँ, मतलब नेगेटिविटी आती है ना, उसका रीजन ये होता है कि जो हमारा लास्ट थॉट होता है ना वो हमारा मॉर्निंग का फर्स्ट थॉट बनता है। ये एक वो है अनकॉन्शियस माइंड का एक साइंस है, इसीलिए जब हम सोते हैं तो हमको अच्छी चीज देख के या फिर भजन सुन के सोना चाहिए, मतलब कुछ भी अच्छी। हंसने की जरूरत नहीं है, भजन में हंसते नहीं है, मैं जोक नहीं कर रही, तो मतलब अच्छी पॉजिटिव चीज, लोगों को बोर थोड़ी करना चंपे दिखा के। नहीं वो गाना तो सुना दे, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए, सुन 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 अरे बाबा सुन, इस चंपी में है बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा है। मेरी बारी भी आएगी नहीं, नहीं, नहीं। मैं नहीं करा रही, अपना टाइम आएगा आएगा। मुंडी क्यों ला रही हो, फिर बोलो ना मुंह से बस। अच्छा स्ट्रेट होके बैठती हूँ फिर, नहीं ऐसे तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है मेरा, ना मैं पकड़ती हूँ ठीक है, गिराना नहीं है, लेकिन नहीं ये तो अच्छा लुक नहीं आ रहा, देखो तो यार मैं पकड़ के क्विज़ खेल, कोई नहीं खेलेंगे हम, हमारा चैनल है, हम कुछ भी करेंगे, ऐसे थोड़ी होता है, लोग मजाक बनाएंगे फिर हमारी। चल ठीक है, तो कल हमने भगवान श्री कृष्ण के बारे में सवाल जवाब पूछे थे ना, तो आज भी थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है और थोड़ा थोड़ा नहीं भी है, ठीक है। तो मैं सवाल सोच रही हूँ नन्नी, सवाल सोचा अच्छा, इन्होंने सोच के नहीं रखे हैं, सोच के रखूंगी तो वो तो प्लानिंग थोड़ी करनी है, उसी समय क्रिएट करनी होती है चीज, हम कोई सेलिब्रिटीज थोड़ी है कि स्क्रिप्ट लिखने वाला अलग होगा वो अलग होगा, हम तुरंत उसी समय करते हैं जो काम करना होता है हमने, इतना वो मत कर खाल निकाल देगी क्या। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे,
चुराए थे ना, तो इस चीज से रिलेटेड दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर वन, तब उनकी उम्र क्या थी। क्वेश्चन नंबर टू, क्यों चुराए थे। उम्र तो नहीं पता क्यों चुराए थे, क्योंकि वो नहाने जाती थी और किस नदी में जाती थी, मेरे को उस नदी का नाम नहीं था। ऐसे ही लोग होते हैं जिनको पूरी बात तो पता नहीं होती और वो रूमर्स फैलाते हैं, फिर कृष्ण जी ने तो गोपियों के वस्त्र चुराए थे, ये तो बहुत गलत बात है। वो यही लोग होते हैं जिनको वो एक कहावत बताओ मैं तुझे, अध जल गगरी छलकत जाए। इसका मतलब पता है नहीं। इसका मतलब ये होता है कि अगर तुम घड़े में पानी भरोगे आधा और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे ना, तो वो पानी छलकता जाएगा ऊपर से निकलेगा, लेकिन अगर वो भरी हुई होगी ना गगरी घड़ा, तो पानी नहीं गिरेगा। इसी तरीके से जब जो नॉलेज होती है ना आधी अधूरी होती है ना, तो कोई भी इंसान होता है वो ऐसी ही बातें करता है, उसको पता तो होता नहीं, नेगेटिविटी फैलाता है फिर। इसीलिए नॉलेज को, कोई भी चीज पे डाउट होता है ऐसा क्यों है, तो उस चीज को फिर पूरी तरीके से सर्च करके अपनी नॉलेज कंप्लीट करनी चाहिए। तो अब मैं बताती हूँ, जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे, तो सबसे पहली बात तो ये है कि उनकी उम्र उस टाइम पे केवल 6 ईयर्स थी, ठीक है। तो एक बच्चे ने, एक छोटे से 6 ईयर के बच्चे ने कपड़े चुराए थे, ठीक है, तो उनकी कोई इंटेंशन गलत हो ही नहीं सकती क्योंकि वो बहुत छोटे थे, ठीक है। और दूसरा रीजन ये था कि जो गोपियां थी वो यमुना जी में नहाने जाती थी, तो यमुना जी भी तो एक माता का रूप है, भगवान का रूप है, तो उसमें कपड़े उतार करके निर्वस्त्र बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, क्लोथ लेस होकर के नहाना मना होता है। तो जो गोपियां होती थी वो अपने सारे कपड़े उतार के साइड में रखती थी यमुना नदी के, और फिर नहाती थी। तो उनको शिक्षा देने के लिए, मेहंदी है नन्नी, शिक्षा देने के लिए उन्होंने ऐसा किया। समझ आ गई बात, क्यों किया उन्होंने ऐसा, उनको शिक्षा देने। हाँ, और उनकी उम्र कितनी थी, 6 साल थी, ठीक है। अब दूसरी बात, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं थोड़ा सा युद्ध की तरफ, ठीक है। पांडव कितने भाई थे, मतलब युद्ध की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। महाभारत का तो मुझे ज्यादा पता ही नहीं है, एक मिनट रुको रुको, आई विल थिंक सो। पांडव कितने थे, 4 थे, 5 थे। चुड़ैल के थे नहीं, तो क्या क्या, वो चिराग तले अंधेरी, अंधेरी वेस्ट मुंबई, नहीं मजाक कर रही, नहीं मैं बताऊंगी ना, मैं हूं ना बताने के लिए। हाँ, तो पांडव 5 भाई थे। कॉन्फिडेंट ऐसे नहीं होता ना, फिर अच्छे से बताना चाहिए, ठीक है। और उनकी जो मम्मी थी उनका नाम था कुंती, और क्या कहते हैं उनके पापा का नाम था पांडु, ठीक है। और वैसे वो 6 भाई थे एक्चुअल में तो, बट उन्होंने जब कुंती माता ने ना उनके जो सबसे बड़ा पुत्र था कर्ण, उसको जो पैदा हुआ था तभी नंदी में बांध दिया था, तो इसलिए वो 5 थे। कौन कौन से थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ठीक है, नकुल, सहदेव। हाँ, और उन पांचों की एक ही से शादी हुई थी, उसका क्या नाम था, द्रौपदी, ठीक है। और जो अर्जुन थे वो भगवान श्री कृष्ण उनको सखा भी बुलाते थे एक तरीके से, और जब युद्ध हुआ था तो अर्जुन का रथ भी श्री कृष्ण भगवान ने चलाया था। बहुत है आज के लिए, कंफ्यूज याद भी तो रहनी चाहिए ना चीजें, एक ही दिन बहुत चीजें। कुछ सवाल कहाँ पूछा फिर मैंने, कौरव कितने भाई थे, चल एक ये सवाल बता दे। कौरव भी नहीं पता, क्या पता नहीं मुझे, बता दो ना। कौरव 100 कौरव थे, 100। ठीक है, इतने सारे भाई, मेरे को लड़ाई नहीं होती थी उनमें, होती नहीं, ऐसे नहीं होता आजकल किसी से, लोग थोड़ी होते हैं पहले के, एक की बार हुई घमासान हुई, खत्म ही हो गए सारे, ऐसी लड़ाई हुई, मतलब कौरवों की आपस में नहीं, कौरवों की पांडवों के साथ हुई, क्योंकि उन्होंने उनको उनका हिस्सा नहीं दिया। बताओ, सारा ही झगड़ा ही पैसे धन, जड़ जोरू और जमीन, झगड़े के 3 कारण है नन्नी। नन्नी बस बोर नहीं करना लोगों को, मुझे बाय बाय तो बोलने दे, फिर हम चंपी चुंपी करते रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये था चंपी करते हुए आज का ज्ञान, आज का क्वेश्चन आंसर का सेशन आज का तो श्वसन श्वसन के श्वसन तंत्र सेशन। दोस्तों कहीं आप भी भूल ना जाओ, सौ और सौ में, ठीक है। सेशन अब जोर से बोलो सेशन
सेशन सेशन सेशन सेशन नहीं पागल जाएंगे लोग ठीक है। तो दोस्तों पांडव 5 भाई थे, कौरव 100 भाई थे। कौरवों की जो माता थी उनका नाम गांधारी था, उनके पिता का नाम क्या था, क्या था रे उनके पिता का नाम, धृतराष्ट्र था। पांडवों की माता का नाम कुंती था, और पांडवों का एक बड़ा भाई भी था जो बचपन में ही जल प्रवाहित कर दिया गया था, उनका नाम कर्ण था, बट वो फिर भी जिंदा रहे। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और आप कल जानेंगे कल हम क्या करते हैं वो कल पता चलेगा। टिल देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन अवर YouTube चैनल विच इज हम पहाड़ी परिंदे। और ये लोग शेयर बिल्कुल नहीं करते, करा करो। हाँ, नन्नी की बात माना करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।